आज हम बनाएंगे ब्रेड के दही बड़े। वैसे तो ब्रेड के दही बड़े कई तरीके से बनते हैं, लेकिन हम बनाएंगे ब्रेड के दही बड़े एकदम अलग तरीके से। इसके लिए हमने लिया है ताज़ा एकदम फ्रेश दही। दही हमें दही बड़ों के लिए खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा ही दही लेना है। 4 ब्रेड, थोड़ा सा पनीर, कसा हुआ सूखा नारियल, हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। नमक डालेंगे हम अपने स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले हम दही को फेंट लेते हैं। दही एकदम गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम डालेंगे दही में थोड़ी सी चीनी। ये हमने 1 चम्मच चीनी ली है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच काला नमक। सारी चीजों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम ढककर अलग रख देंगे। अब हम पनीर में मिलाएंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, ये सारे मसाले एक साथ हम इसी में मिला लेंगे। कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, सारी चीजों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे पनीर में। दही बड़े बनाने के लिए हमें सफेद ही ब्रेड चाहिए। हम सफेद ही ब्रेड के दही बड़े बनाएंगे। एक एक करके ब्रेड को हम इस कटोरी से गोल करके काट लेंगे। से हम सारी ब्रेड काट कर रख लेंगे। अब ब्रेड को हम एक प्लेट में पानी करके थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लेंगे। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है ब्रेड को, और ऐसे हाथ से दबा दबा के सारी ब्रेड को ऐसे करके रख लेंगे। अब एक एक ब्रेड में हमने ये पनीर का जो मसाला तैयार किया था इस तरीके से ब्रेड के अंदर भर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि ये किनारों से निकले नहीं, ऐसे बना के इसको हम रखते जाएंगे। हमने सारे बड़े बनाकर रख लिए हैं। इधर हमारा तेल गरम हो गया है, जो हमने पहले ही चढ़ा दिया था गरम होने के लिए। अब इन बड़ों को हम तेल में डालकर धीमी आंच पर तल लेंगे। बड़े अच्छे से सिक चुके हैं, इनको हमने एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है। अब इन बड़ों को हम डालेंगे इस दही में जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। दही में डालकर इनको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसके स्पेशल दही बड़े बनकर एकदम तैयार हैं। इनको हमने ऊपर से हरे धनिया और कसे हुए सूखे नारियल से सजा दिया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनने में भी बहुत कम टाइम लगता है। ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इनको किसी भी पार्टी में या किसी भी मौके पे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार इनको ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको कैसे लगे। आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।